सामना करते हुए हमें मानव अधिकारों का सम्मान करना ही होगा, क्योंकि यह सिर्फ न्याय का ही नहीं अपितु प्रभावशीलता का प्रश्न भी है। सुरक्षा व्यवस्था चाहे कितनी भी बेहतर हो जाए, कभी पर्याप्त नहीं हो सकती। हमें उन निहित परिस्थितियों का सामना करना ही होगा जिसके कारण लोग विषैली सोच का शिकार बनते हैं। महोदय, बात चाहे अमरनाथ यात्रा की हो या वर्ष 2013 केदारनाथ घाटी का वो खौफनाक मंजर जहां हमारे सुरक्षा बलों ने अति दुर्गम क्षेत्र और विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह ना करते हुए हजारों लोगों को बचाया था, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब इतने दुर्गम क्षेत्र और विपरीत परिस्थितियों में मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं, तो आतंकवाद और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं कर सकते। जब अलगाववादी नेता एक पत्थरबाज को उकसाने में कामयाब हो सकते हैं, तो हम उन्हीं पत्थरबाजों को देश के विकास की मुख्य धारा में जोड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो सकते। जिंदगी में हार और जीत का फैसला इंसान की सोच करती है। जिसने मान लिया वो हार गया, जिसने ठान लिया वो जीत गया। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने साथ बीती घटना की। महोदय, लोकसभा चुनाव 2019 में मैं अपनी टीम के साथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा बनकोट बूथ पर तैनात था और मेरी टीम पत्थरबाजों के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। हालात बहुत बेकाबू हो चुके थे। रात्रि 8 बजे का समय था और पत्थरबाज हमारे ऊपर पत्थरों की मूसलाधार बारिश कर रहे थे, और इस स्थिति में भी हमने उनके मानव मूल्यों की रक्षा और अपने कुशल प्रशिक्षण का परिचय देते हुए अपनी टीम को वहां से सुरक्षित निकाला, लेकिन मानव अधिकार को आड़े नहीं आने दिया। आपने हमारे सीआरपीएफ जवानों का वीडियो तो देखा ही है, जो एक रास्ते से गुजरते हैं और स्थानीय जनता द्वारा उन्हें लात घुस और हेलमेट से पिटने का सामना करना पड़ता है। महोदय, प्रशिक्षण की भट्टी में तपकर इतना लोहा बन चुके होते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में भी मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं करते। पठानकोट, बालाकोट और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जहां हमारे सैन्य बलों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर धूल चटा दी और मानव अधिकार कहीं आड़े नहीं आया। हमारे सुरक्षा बल प्रभावी ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं। बात चाहे दक्षिण सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की हो या वर्ष 2014 जम्मू कश्मीर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने।